ये तो बड़ा खेला हो गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐसी चाल चल दी है जिसका तेजस्वी को गुमान तक ना होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो एक चिट्ठी से पता चल रहा है। ये चिट्ठी तो यही इशारा दे रही है कि तेज प्रताप यादव ने वृंदावन में बैठकर बिहार की राजनीति में आरजेडी को तवे की तरह गर्म कर दिया है। आपको बता दें, जी हाँ, यही सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव ने चिराग के चाचा पशुपति पारस से सेटिंग कर ली है। एक चिट्ठी ने ही सारे सियासी माहौल में उसम भर दी है। ये चिट्ठी एक तरह से तेजस्वी को बेचैन करने के लिए काफ़ी है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि इस चिट्ठी में लिखा है कि आज दिनांक 27 अगस्त 2021 शुक्रवार को अपहरण 4 बजे नई दिल्ली 18 राजेंद्र प्रसाद मार्ग में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज के संवाददाता सम्मेलन में पारस जी की मौजूदगी में छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश यादव एवं दर्जनों राजद नेता लोजपा का दामन थामेंगे और लोजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये सब जानते हैं कि बगैर तेज प्रताप यादव के इशारे के आकाश यादव कुछ नहीं करते। हाल ही में तेज प्रताप दिल्ली में दोस्तों संग पार्टी कर रहे थे, इसके बाद वो वृंदावन निकल गए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आकाश यादव और उनके दोस्त दिल्ली ही रुक गए और आज यानी 27 अगस्त को पारस गुट की तरफ से ये चिट्ठी जारी कर दी गई है। वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु श्री वल्लभाचार्य के आश्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब भी उनका मन अशांत होता है तो वह अपने गुरु के पास आ जाते हैं। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस बात को लेकर मन अशांत है, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सामने आई तस्वीरें तेज प्रताप यादव श्री वल्लभाचार्य से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि तेज प्रताप यादव रक्षाबंधन के अगले दिन तेज प्रताप यादव दिल्ली के एक मॉल में दोस्तों संग रिलैक्स मूड में दिख रहे थे। तेज प्रताप यादव के दोस्त चैतन्य यादव की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में वो हाफ टी शर्ट और जीन्स में नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में तेज प्रताप दोस्तों के साथ कहीं कुछ खा पी रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वो कार में बैठे दिख रहे हैं। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव आक्रामक रुक के बाद अब थोड़ा अलग ही अंदाज अपनाने में दिखे हैं। अब पारस गुट की इस चिट्ठी के बाद ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में सियासी महाभारत में अभी कोई उपाध्याय नहीं बाकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।